Hello learners, a very warm welcome to Vedami. Vedami पे हम cover कर रहे हैं Unit 9 Diversity of Life Forms और अभी इस टाइम पे चल रहा है Unit 9 का Section E. अब इस Section E का जो नाम है वो है Organisms of Health and Agriculture Importance. इसके previous video में हमने देखा था डिफरेंट ह्यूमन पैरासाइट्स के बारे में जो ह्यूमन में डिजीजेस कॉज करते हैं, वेरियस डिजीजेस कॉज करते हैं. हमने वहाँ पे फंगल डिजीजेस देखे, बैक्टीरियल डिजीजेस देखे, वायरल और प्रोटोजोअन डिजीजेस की लिस्ट देखे और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा. बहुत सारे लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि मैम इनके नेमोनिक्स दे दो. तो आपको क्या लग रहा है, अभी ये नेमोनिक्स का वीडियो? जी नहीं, नेमोनिक्स का वीडियो नहीं है. मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ. अगर मैं यहाँ पे आपको नेमोनिक्स देना शुरू कर दूँ तो यहाँ पे जो लिस्ट है बहुत लंबी है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लिस्ट जो है वो भी काफ़ी वास्ट है, या फिर मैं नेशनल पार्क्स की बात करूँ तो वो भी काफ़ी वास्ट है ना. बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और अलग अलग जगहों पे हैं. तो इसमें नेमोनिक्स पे आप कितना कवर कर लोगे, पहली बात तो ये रही. दूसरी बात, अगर मैं नेमोनिक्स दे दूं तो आपको उनके रिस्पेक्टिव हर वर्ड का एक कोड तो या एक तो कोड याद रखना पड़ेगा, वो कोड सेंटेंसेस याद रखने पड़ेंगे, प्लस उन कोड से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो भी याद रखना पड़ेगा, जो नेशनल पार्क्स हैं या उनकी जो जगह हैं वो भी याद रखना पड़ेगा. अगर वो नहीं याद रखोगे तो वो हिट कैसे करेगा कि इस कोड का मतलब क्या था. तो नेमोनिक्स उन जगहों पे काम आती हैं जहाँ इतनी सारी वैरायटीज नहीं होती हैं. थोड़ी बहुत वैरायटीज हो तो वहाँ पे चल जाएगा. यहाँ पे क्या है, आपको बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है फंगल डिजीजेस का, बैक्टीरियल डिजीजेस का, वायरल डिजीजेस का, तो आप कितना याद रखोगे. ऑल्दो अगर डिजीजेस के बारे में बात करें पर्टिकुलरली तो वहाँ मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर ये न्यूमोनिया है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं न्यूमोनिया जो है वो हाइड है. अगर डिप्थीरिया है तो इसमें क्या है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्थीरिया हाइड है. तो ये आपको हेल्प करेगा याद करने में. बहुत सारे डिजीजेस तो ऐसे ही सिंपली कवर हो जाएंगे सिर्फ अगर आप डिजीजेस के नाम में बैक्टीरिया, आपको क्या करना है, आपको बैक्टीरिया का नाम एक बार याद रखना है. उसके बाद क्या है, डिजीज को आप देखोगे तो तुरंत कह दोगे कि अच्छा वो वाला बैक्टीरिया इसी से. अगर आपने याद रख लिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया तो किसी ने जैसे ही पूछा कि डिप्थीरिया कैसे, तो आप तुरंत मुंह से बोलोगे कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया ही है. या फिर आपसे विब्रियो कॉलरी नाम आपको याद है तो आपसे तुरंत पूछा गया कि विब्रियो कॉलरा किससे होता, तो आप बोल दोगे कि विब्रियो कॉलरी से होता है. लेप्री याद रखा है तो लेप्रोसी बोल सकते हो, गोनोरिया याद रखा है गोनोरिया बोल सकते हो. तो ऐसे तो मोस्टली डिजीजेस तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे. जो थोड़े बहुत बचेंगे उनको आप ऐसे लिस्ट करके याद कर सकते हो. क्या दिक्कत है इसमें, है दिक्कत. अब अगर मैं इतने सारे डिजीजेस के लिए बहुत सारे नेमोनिक्स दे दूंगी तो पहले आप नेमोनिक्स याद करोगे, फिर उन नेमोनिक्स के लिए कोड याद रखोगे, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा ऑब्वियसली. तो यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ उसको आप सुन लो एक बार कि हाँ ऐसे ऐसे याद रखना है. न्यूमोनिया है तो न्यूमोनिया ऐसा हो याद हो जाएगा. जो नहीं मैच कर रहे हैं उनके लिए आप अलग से लिस्ट बना लो. जैसे ट्यूबरकुलोसिस है तो नाम में छुपा हुआ है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आपको अलग से इसमें न्यूमोनिक्स याद करने जैसा क्या है, कुछ नहीं है यार. थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगा के बहुत सारी चीज़ें आसानी से याद हो सकती हैं. कोई इतना वो बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको याद करने के लिए इतना ये सब कुछ चाहिए. जस्ट थोड़ा सा रिमेम्बर जैसा है, अगर आप एक लिस्ट बना के वॉल पे अपने लगा भी दोगे या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन में ये कुछ फोटोज रखा करो और रात को सोते टाइम उन फोटोज को रिवाइंड कर लोगे एक एक बार गैलरी में जाके कि ये लिस्ट का क्या था, ये लिस्ट का क्या था, अपने आप बहुत सारी चीजें निकल जानी है. मैं तो कहूँ लिस्ट तो नहीं, लिस्ट छोड़ो, आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट के डायग्राम ले सकते हो, उन डायग्राम्स को लेके रिकॉल कर सकते हो. उनके डायग्राम्स फोन में सेव रखो और जब सोते टाइम आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो इंस्टाग्राम की जगह अपने गैलरी को स्क्रॉल कर लो, वहाँ कॉन्सेप्ट देख लो, कितना इजी हो जाएगा याद करना. तो थोड़ी मेहनत अपनी तरफ से भी लगाओ, हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, आप कंटेंट से याद करो. थोड़ी चीज़ें तो मैं बताऊंगी. तो आज जैसा कि मैं बता रही थी हम सेक्शन ई पे डील कर रहे थे, ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस.
तो इस सेक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हमने बात की ह्यूमन पे जो पैथोजेंस अफेक्ट करते हैं उनके बारे में, या एनिमल्स पे जो पैथोजेंस अफेक्ट करते हैं उनके बारे में। यहाँ हम बात करेंगे कॉमन पैथोजेंस जो कि प्लांट को अफेक्ट करते हैं, और स्पेशली हम यहाँ क्रॉप प्लांट्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉप प्लांट्स जो हैं उनकी इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और वहाँ जो पैथोजन अफेक्ट करेंगे तो वो जो होंगे वो हमारे इकोनॉमिक्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, इसलिए इनको जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ हम इस सिलेबस में क्यों पैथोजेंस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इन पर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। अब जैसे आपने कभी प्लांट पैथोजेंस के नाम के बारे में नहीं सुना होगा तो आप कैसे ये क्वेश्चन कर पाओगे, जैसे कुकुम्बर, मोजेक है, फायर ब्लाइट ऑफ पियर है, ग्राउंड गॉल है, एप्पल स्कैप है, अगर आपने नाम ही नहीं सुना होगा तो आप क्वेश्चन क्या सॉल्व करोगे। तो वही नाम इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम यहाँ पे ये सेक्शन लेके आए हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म में, जहाँ पे पाउडरी माइल्ड्यू, राइस ब्लास्ट, बैक्टीरियल कैंकर एंड फायर ब्लाइट के बारे में बात हुई है। तो ये डिजीजेस क्या होते हैं, किससे होते हैं, इनको जानने के लिए हमें इन लिस्ट को जानना पड़ेगा। अब यहाँ भी वही सेम चीजें हैं, आपको ट्रिक लगा के याद करनी है, आपको यहाँ नेमोनिक नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट ट्रिक मिल रहा है। डायरेक्ट ट्रिक क्या है, वही आपको नेमोनिक याद ही नहीं करना है, कोई कोड चाहिए ही नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको नाम में ही मिल रहा है इंडिकेशन कि ये इस वजह से हो रहा है। अब कुछ को छोड़ दें तो कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ में आपको मिल जाएगा। जैसे अभी मैं फ्यूजेरियम विल्ट की बात करूं, फ्यूजेरियम विल्ट की या फ्यूजेरियम रूट रॉट की बात करूं, तो ये किससे हो जाएंगे, फ्यूजेरियम स्पीसीज से होंगे। तो ये चीज अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये किस चीज से हो रहा है। ये फ्यूजेरियम स्पीसीज से हो रहा है, समझ में आया। अब ऐसे ही अब डैम्पिंग ऑफ डिजीज, ये यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ये पाइथियम स्पीसीज से हो रहा है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज एंड टोमेटोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट ब्लाइट के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ भी आप थोड़ा दिमाग लगा के याद रख लेना क्या फाइटोप्थोरा स्पीसीज, फाइटोप्थोरा स्पीसीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। अब ये राइजोक्टोनिया रूट रॉट है, नाम में है राइजोक्टोनिया रूट रॉट, और इसका जो फंगस है वो फंगस भी क्या नाम है, उसका भी नाम है राइजोक्टोनिया सोलान। क्या है, राइजोक्टोनिया सोलन, राइजोक्टोनिया रूट रॉट, राइजोक्टोनिया सोलन। तो ऐसे ही ये याद हो जाएगा, इसमें ये इजी चीज है। ऐसे ही अगर हम फ्यूजेरियम की बात करें तो फ्यूजेरियम की बात हमने कर ली कि फ्यूजेरियम विल्ट और फ्यूजेरियम रूट रॉट दोनों ही किससे हो रहे हैं, फ्यूजेरियम स्पीसीज से हो रहे हैं। अगर हम वर्टिकुलम विल्ट की बात करें तो यहाँ भी क्या है, वर्टिकुलम विल्ट में वर्टिकुलम स्पीसीज कॉमन है। तो ये इजी चीज हो गई आपको, ये भी याद करने के लिए इजी हो गई कि अगर कहीं आपको, देखो डिजीजेस के नाम बहुत ज्यादा नहीं याद करने, दिमाग देखे एमसीक्यू है, अगर ये एमसीक्यू है तो यहाँ पे ऐसे लिख के आ रहा है ना कि बैक्टीरियल कैंकर, पाउडरी माइल्ड्यू, इस तरह से ये चीजें लिख के आ रही हैं, कुकुम्बर मोजेक, क्राउन गॉल, इस तरह से लिख के आ रहा है। तो आपको नाम बस दिमाग में रखना है कि ऐसी चीजें होती भी हैं। तो अगर आप ऐसी चीजें, फ्यूजेरियम विल्ट आया ऑप्शन में, फ्यूजेरियम रूट रॉट आया, अगले साइड जो कॉलम बी होगा वहां फ्यूजेरियम स्पीसीज भी लिखा हुआ आएगा, तो ये तो कॉमन सेंस है, लगाओ और फिनिश करो, हो गया। कुछ चीजें बची हैं तो उनको अलग से याद रखना है। अब जैसे ग्रे मोल्ड है, ग्रे मोल्ड के लिए क्या है, ग्रे मोल्ड के लिए है बॉट्रिस सिनेरा, क्या है, बॉट्रिस सिनेरा। और यहाँ बॉट्रिस ब्लाइट है, इसके लिए भी क्या है, बॉट्रिस सिनेरा। तो आप एक तरह से और बना सकते हो कि बॉट्रिस सिनेरा, तो ये ग्रे मोल्ड भी करता है और ब्लाइट भी करता है, बॉट्रिस ब्लाइट। तो बॉट्रिस नाम से तो बॉट्रिस सिनेरा याद हो ही जाएगा, और ग्रे मोल्ड के लिए भी बॉट्रिस सिनेरा वहीं पे लिख लेना, बॉट्रिस ब्लाइट, बॉट्रिस सिनेरा, और ये ग्रे मोल्ड, मतलब दोनों डिजीजेस को ये करते हैं। फिर कॉर्न स्पॉट है, इसके लिए स्टेलिगोमेडिस है, रस्ट डिजीजेस है। अब ये रस्ट डिजीजेस कहाँ कहाँ होंगे, वीट रस्ट और कॉफी रस्ट, वीट रस्ट और कॉफी रस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है पक्सीनिया फंगस, पक्सीनिया फंगस। फिर एंथेरेक्नोज, एंथेरेक्नोज के लिए कॉलेक्टेरियम स्पीसीज है।
अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट के लिए अल्टरनेरिया स्पीसीज है। अगेन एक कॉमन मिल गया कि अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है तो अल्टरनेरिया स्पीसीज। फिर अल्टरनेरिया ब्लाइट अगर आ रहा है अल्टरनेरिया ब्लाइट तो वापस से अल्टरनेरिया स्पीसीज। क्या डिफिकल्ट है इसमें, कुछ के ही तो याद रखने हैं, बाकी तो कॉमन हो जा रहे हैं। स्क्लेरोटिना स्टेम रॉड, तो ये किससे हो रहा है, स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोटोरियम से हो रहा है, तो ये भी इजी है। फिर उसके बाद डाउनी माल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा प्लाज्मोपारा विटिकोला, प्लाज्मोपारा विटिकोला। अब बढ़ते हैं अगली डिजीजेस तरफ, यहाँ भी हम फंगल डिजीजेस से डील कर रहे हैं, तो एक बार और देखेंगे पॉम्पसिस ब्लाइट, तो ये किससे हो रहा है, पॉम्पसिस स्पीसीज से हो रहा है। ऐसे ही सिरोक्सपोरा है, सिरोक्सपोरा लीफ स्पॉट, तो ये सिरोक्सपोरा लीफ स्पीसीज से हो रहा है। सेप्टोरिया लीफ स्पॉट है तो सेप्टोरिया स्पीसीज से हो रहा है। पाउडरी माइल्ड्यू, ये अभी बहुत ज्यादा पूछा गया है पाउडरी माइल्ड्यू के बारे में, तो ये भी होता है पाउडरी माइल्ड्यू फंगी से, फंजाई से। तो ये दोनों इनमें नाम तो कॉमन मिल रहा है, पाउडरी माइल्ड्यू फंजी, पाउडरी माइल्ड्यू अफेक्टिंग वेरियस क्रॉप। फिर हार्ट रॉट इन ट्रीज, ये होता है फोमिस फोमेंटेरिस से, फोमिस फोमेंटेरिस से। आर्मलेरिया रूट रॉट, ये आर्मलेरिया से हो रहा है, तो ये कॉमन मिल गया आपको, आर्मलेरिया वर्ड कॉमन मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एप्पल स्कैप एंड टीयर स्कैप, स्कैप ये वेंटूरिया स्पीसीज से हो रहा है, किससे हो रहा है, वेंटूरिया स्पीसीज से हो रहा है। तो इस तरह से आपके फंगल डिजीजेस जो हैं इंपॉर्टेंट फंगल डिजीजेस वो कवर हो जाते हैं। अब लिस्ट में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखेंगे कि बैक्टीरिया कौन कौन से डिजीजेस को कॉज करता है प्लांट्स में। तो इसकी ये लिस्ट है, ब्लैक रॉट, बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल कैंकर, बैक्टीरियल स्पैक, बहुत सारी चीजें हैं, विल्ट है, मॉल्टिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जो कॉज होती हैं। अगर हम बात करें ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, तो क्रूसीफर कौन से हैं, कैबेज है, ब्रोकली है, जनरली कैबेज और ब्रोकली जो हैं इससे अफेक्टेड होते हैं ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर। इसको कर रहा है जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस, कौन, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस, ये आपको याद रखना है। फिर बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ बीन्स जो है वो स्यूडोमोनास सिरिंजी से, बैक्टीरियल कैंकर ऑफ स्टोन फ्रूट ये भी स्यूडोमोनास सिरिंजी से, बैक्टीरियल स्पैक ऑफ टोमेटो ये भी स्यूडोमोनास सिरिंजी से। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्यूडोमोनास सिरिंजी, पीएस हो गया स्यूडोमोनास सिरिंजी। अब ये क्या क्या करता है, ब्लाइट, कैंकर और स्पैक, ब्लाइट कैंकर और स्पैक। ब्लाइट कहाँ करेगा, बीन्स में करेगा, ब्लाइट बीन्स में करेगा, स्टोन किस में करेगा, स्टोन पीचेस और चेरीज में करेगा, और कैंकर कहाँ कर रहा है, कैंकर कर रहा है ये टोमेटोज में। तो ये याद हो गया पीएस ब्लाइट कैंकर, पीएस ब्लाइट कैंकर स्पैक, तीन चीजें हो गई, तीनों को कौन कॉज कर रहा है, स्यूडोमोनास सिरिंजी कॉज कर रहा है। इसके बाद वापस से आते हैं हम बैक्टीरियल कैंकर, कैंकर ऑफ टोमेटो, जो स्यूडोमोनास से कैंकर हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, स्यूडोमोनास से जो कैंकर हो रहा था वो पीचेस में हो रहा था, चेरीज में हो रहा था। अब नया कैंकर जो आया वो टोमेटो में हो रहा है। अब टोमेटो का कैंकर जो है वो किसे हो रहा है, क्लैवीबैक्टीरियम मिशिगेनिस या कॉर्निबैक्टीरियम मिशिगेनिस, मिशिगन, क्लैवीबैक्टीरियम मिशिगेनिस, कॉर्निबैक्टीरियम मिशिगेनिस याद करेंगे तो आपको बैक्टीरियल कैंकर ऑफ टोमेटो जो है वो याद हो जाएगा। इसके बाद बैक्टीरिया विल्ट अफेक्टिंग वेरियस क्रॉप्स, तो ये हो रहा है राल्स्टोनिया सोलनेसेरम। यहाँ पे आप याद रख सकते हो ये जो बैक्टीरिया विल्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, सोलनेसी फैमिली में हो रहा है। सोलनेसी फैमिली में क्या है, टोमेटो पोटैटो एंड बनाना, टोमेटो पोटैटो एंड बनाना में अगर विल्ट होता है और बैक्टीरियल विल्ट होता है तो वो कौन कॉज करेगा, राल्स्टोनिया सोलनेसेरम जो है वो कॉज करेगा इसको। फिर उसके बाद है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर ट्रीज, तो इसके लिए हो जाएगा एर्विनिया एमाइलोवोरा, क्या हो रहा है, एर्विनिया एमाइलोवोरा। वैसे ही क्राउन गाल डिजीज, तो क्राउन गाल के लिए तो हम शुरू से ही बायोटेक में पढ़ते आ रहे हैं या बायो लाइफ साइंसेस में पढ़ते आ रहे हैं कि क्राउन गाल जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस के
इंटरफेरेंस की वजह से होता है, एग्रोबैक्टीरियम ह्यूमिफिकेंस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। अब तीसरी एंड में जब जाएंगे तो जाइला फास्टिडोसा आता है। क्या है जाइला फास्टिडोसा? ये एक बैक्टीरिया है जाइला फास्टिडोसा, रिस्पॉन्सिबल काय काय के लिए है, ये करता है पियर्स डिजीज ग्रेप वाइन्स में करता है, फिर उसके बाद साइट्रस वेरिगेटेड क्लोरोसिस ये भी यही कॉज करता है, ऑलिव क्विक डिक्लाइन सिंड्रोम, ये तीनों जो हैं किससे कॉज हो रहे हैं, जाइला फास्टिडियोसा से हो रहे हैं। अब इस सीरीज में और आगे बढ़ेंगे तो आएगा सॉफ्ट रोट ऑफ वेरियस वेजिटेबल्स, इसके लिए पैक्टोबैक्टीरियम कैरोटोवोरम है, ब्लैक लेग ऑफ पोटैटो, तो यहाँ भी पैक्टोबैक्टीरियम कैरोटोवोरम है, बैक्टीरियल विल्ट अफेक्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट, वाइड रेंज ऑफ प्लांट के लिए अगर बैक्टीरियल विल्ट हो रहा है तो वहाँ भी राल्स्टोनिया सोलेनिस, यहाँ पे ब्राइट बैक्टीरियल विल्ट हो रहा था, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे बैक्टीरियल विल्ट किसको अफेक्टिंग वेरियस क्रॉप्स इंक्लूडिंग टोमेटोज पोटैटोज एंड बनानास, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, राल्स्टोनिया सोलेनिसेरम। अब एक बार हम और देखते हैं, अगर यहाँ पे यही चीज हो रहा है वेरियस क्रॉप प्रोसेस बैक्टीरियल विल्ट बहुत सारे क्रॉप्स के लिए, तो भी वही सेम है राल्स्टोनिया स्यूडो सेलनोसेरम, तो यहाँ सोलनेसी है, फैमिली इन्वॉल्व है सोलनेसी, लेकिन स्यूडो सोलनेसी आगे लगा दिया गया, तो ये किसको कवर कर रहा है, ये वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स में बैक्टीरियल विल्ट को दे रहा है। ऐसे ही ऑलिव नॉट जो है वो स्यूडोमोनास सेवास्टोनी से हो रहा है, बैक्टीरियल गाल ऑफ स्टोन फ्रूट्स ये भी सेम बैक्टीरिया जो है वो कॉज कर रहा है। अब बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ऑफ क्राइसेंथम तो ये स्यूडोमोनास किकोरी से हो रहा है। अब बैक्टीरिया वाले में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फंगस में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, वहाँ पे नेम डिजीज के नेम और पॉजिटिव एजेंट ऑलमोस्ट आपको बहुत सारे फैमिलियर मिलेंगे, बैक्टीरिया वाले में आपको थोड़ा मेहनत करके आपको याद करनी पड़ेगी कि बैक्टीरिया बिल्ड किससे हो रहा है, मॉडलिंग किससे हो रही है। यहाँ वायरस वाले में भी सेम केस है, यहाँ आपको काफ़ी कुछ कॉमन मिल जाएगा, जैसे टोबैको मोज़ेक डिजीज़ है, तो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ के लिए आपको यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है, टोबैको मोज़ेक वायरस। ऐसे ही वेरियस डिजीज इन पोटैटो एंड अदर सोलनेसी क्रॉप, तो यहाँ पे पोटैटो वायरस वाई है। कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, कुकुम्बर मोज़ेक डिजीज, कुकुम्बर मोज़ेक डिजीज जो है वो सिर्फ कुकुम्बर में नहीं होता है, वो कुकुम्बर में भी होता है, टोमेटो में भी होता है और पेपर्स में भी होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे हम कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। ऐसे ही टोमेटो स्पॉटेड विल्ट है, ये कहाँ कहाँ होगा, टोमेटो में हो रहा है, पेपर में हो रहा है और भी बहुत सारे क्रॉप में, तो इसके लिए टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, कितना ईजी है टोमेटो स्पॉटेड विल्ट। ऐसे ही ट्रिस्टेजा डिजीज है जो कि साइट्रस ट्रीज में पाया जाता है, तो यहाँ पे इस वायरस का नाम ही यही है साइट्रस ट्रिस्टेजा वायरस। ऐसे ही प्लमपॉक्स डिजीज है तो यहाँ प्लमपॉक्स वायरस, सेरल क्रॉप्स में इस येलोइंग और स्टेनिंग हो रहा है, सेरल क्रॉप्स कौन कौन से, बाले वीट ओट्स ये सारे आएंगे, तो इनमें अगर येलोइंग हो रही है स्टंटिंग हो रही है तो बाले येलो ड्वार्फ वायरस जो है आएगा। ऐसे ही राइस येलो मॉटलिंग हो रही है तो राइस येलो मॉटल वायरस यहाँ पे आएगा। अगर ट्यूबर डिफॉर्मिटीज हो रही है पोटैटो में तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरियॉइड आएगा। एक्सकॉर्टिस डिजीज इन साइट्रस ट्रीज, तो यहाँ पे साइट्रस एक्सकॉर्टिस जो है आएगा, नाम में ही है एक्सकॉर्टिस डिजीज इन साइट्रस ट्रीज, तो साइट्रस एक्सकॉर्टिस। एप्पल स्कार स्किन डिजीज, तो एप्पल स्कार स्किन विरियॉइड। स्टंट सिम्टम इन क्राइसोनथेमस और अदर ऑर्नामेंट प्लांट, तो यहाँ पे क्राइसोनथेमम स्टंट विरियॉइड, सिंपल है स्टंट सिम्टम आ रहे हैं अगर किसी प्लांट में क्राइसोजेंथम में तो क्राइसोजेंथम स्टंट विरियॉइड। ऐसे ही मोज़ेक सिम्टम इन पीच ट्रीज, तो पीच लेटेंट मोज़ेक विरियॉइड, पीच भी आ गया मोज़ेक भी आ गया, तो मोज़ेक सिम्टम इन पीच ट्री तो पीच लेटेंट मोज़ेक विरियॉइड। तो इस तरह से जो है आपके प्लांट क्रॉप्स के पैथोजेंस जो होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे।
वो आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, जो कॉमन है उनको ऐसे ही याद कर लेना है बायोलॉजी कि ऐसा हुआ तो ये होगा, और जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं है उनको अलग से कहीं लिख के आप याद कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए, देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बाय बाय। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या PhD का अरमान, हमारे पास है आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेदमी, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेदमी वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया। वेदमी, एजुकेटिंग इंडिया।